अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी रजा अवैस फ्रॉम टेस्टी बाइट्स। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ एवेपोरेटेड मिल्क। एवेपोरेटेड मिल्क बनाने के लिए आपको सिर्फ एक इंग्रेडिएंट चाहिए जो कि है मिल्क। फुल फैट मिल्क लेना है आपने, इसके अंदर स्किम्ड मिल्क नहीं यूज़ करना। उसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक बड़ा पैन लेना है कोई भी, या कोई भी नॉन स्टिक पैन लेना है जिसके अंदर आपका दूध नीचे की तरफ ना लगे। उसके अंदर मैंने 1.5 कप मिल्क यानी 1.5 कप मिल्क लिया है। उसको मैंने तेज़ आग पर एक बॉयल दिलवाया। जब आपका एक बॉईल आ जाए तब आपने इसकी जो आंच है वो हल्की कर लेनी है, यानी आपने इसको लो फ्लेम पे पकाना है फिर तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए। आपका दूध एवेपोरेट होगा इसके अंदर इन 30 से 40 मिनट के अंदर, और आपका मिल्क जो है वो हाफ रह जाएगा तकरीबन। इसको आपने साथ साथ ज़रूर हिलाते रहना है ताकि जो आपका दूध है वो नीचे की तरफ ना लगे। उसके ऊपर क्रीम आना शुरू हो जाएगी दूध की अपनी, ये देख रहे हैं आप जमना शुरू हो गई है इसके ऊपर क्रीम। आपने इसके साथ ही इसके अंदर मिक्स कर देना है। अभी आपने इसको छानना नहीं है, यानी आपने इसको अलग नहीं करना, बिल्कुल एंड पे हम ये करेंगे। ये देखें मैं इसको साथ ही मिक्स कर दूँगी इसके। मैं आपको दिखाने के लिए ये दिखा रही हूँ कि ये इसके ऊपर साथ साथ आएगी, आपने इसको साथ ही मिक्स कर लेना है भलाई को। ये एवेपोरेटेड मिल्क और मैं कंडेंस मिल्क की रेसिपी दोनों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिख दूंगी, मैं अवेलेबल कर दूंगी। ये आगे हम इस्तेमाल करेंगे अपने चॉकलेट ट्रेस लेचेस केक के अंदर। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये देखें आपका हाफ रह गया तकरीबन मिल्क, और इसके ऊपर वलाई भी अच्छी खासी आ गई है। इसको आपने दोबारा मिक्स करके थोड़ा सा और पकाना है। मेरे इस प्रोसेस को 35 मिनट्स लगे थे, आप देख सकते हैं आगे आपको कितना टाइम लगेगा। इसके बाद मैंने इसको इस दूध को अच्छे तरीके से छान लेना ताकि इसके ऊपर जो क्रीम है यानी इसकी जो वलाई है ये ऊपर ही रहे, हमारे मिल्क के अंदर ना ऐड हो। अगर आप इसके कोई कुल्फ़ी आइसक्रीम बना रहे हैं तो आप वलाई ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब। मैं हर हफ्ते 2 न्यू वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। थैंक यू।